पुलिस ने थरवई थाना क्षेत्र के हेतापट्टी में सोमवार 7 अगस्त को हुई हत्या और डकैती कांड का खुलासा किया है। एसओजी गंगापा और थरवई व नवाबगंज थाना पुलिस ने मुठभेड़ में नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज में तड़के हुई मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती के मुताबिक मिल्किया के बद्दीक मारवाड़ी घुमंतु गिरोह द्वारा हत्या और डकैती की वारदात की गई थी। उनके मुताबिक बदमाशों के साथ नवाबगंज थाना क्षेत्र के लाल गोपालगंज में हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। शाहजहांपुर के थाना निगोही के ईशापुर गांव के दयाराम, धीरेंद्र उर्फ लड्डू, नन्हे उर्फ जयराम और कुशल पाल उर्फ कृष्णा गिरफ्तार किए गए हैं। 2 बदमाशों धीरेंद्र उर्फ लड्डू और कुशल पाल उर्फ कृष्णा के पैर में गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज KSRN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही गिरोह की रेकी करने वाली 5 महिलाएं बेलावती, शांति देवी, वेद्रवती, लीलावती और गंगा देवी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने महिलाओं को नवाबगंज थाना क्षेत्र के मनीलाल का इनारा के पास से गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं। थरवई थाना क्षेत्र में हेतापट्टी में घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी और लूट की घटना हुई थी। इसी घटना के क्रम में हमारी टीमें लगी हुई थी, तो हमें मुखबिर की सूचना और एक और गिरोह के पकड़े जाने पे उनकी निशानदेही पे एक लोकेशन की जानकारी हुई थी। वहाँ पे हमारी टीमें रवाना हुई और आज सुबह वहाँ पे इस एक घुमंतु जाति का गिरोह है, उसके 4 लोगों के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने आत्मरक्षा में 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 अभियुक्त, वो दोनों अभी हॉस्पिटल में उपचार के लिए हैं। सबको जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनका मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसा रहता है कि जो महिलाएं हैं वो दिन में घूम घूम के गांवों में रेकी करती हैं और जो भी जेवरात की दुकानें होती हैं उनको चिन्हित करती हैं, और रात में जो पुरुष हैं वो घटना कारित करते हैं। जो गिरोह अभी गिरफ्तार हुआ है, इसके पास में जो हेतापट्टी में जो लूट की घटना हुई थी उसका जो बरामदगी सामान जो है वो बरामद हुआ है। खास नाम से एक गिरोह जाना जाता था और क्या कितना इनका आपराधिक इतिहास भी है? देखिए, इनका आपराधिक इतिहास जो अभी तक निकल के आया है वो अंतर जनपदीय गैंग का प्रतीत हो रहा है। इनके विरुद्ध में मुकदमे जनपद एटा, जनपद शाहजहांपुर, जनपद पीलीभीत और जनपद रामपुर इसके आए हैं, और इनकी और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको खंगाला जा रहा है। इसमें जो हमारी हेतापट्टी वाली घटना हुई थी उससे संबंधित जेवरात, जो दुकान के पैकेट्स थे, जो ज्वेलरी के बॉक्सेस थे, साथ ही साथ जो घर में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे RC हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर ID व अन्य कागजात जो हैं वो बरामद हुए हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है कि ये घटना करने के बाद में तुरंत से वहाँ से निकल जाते हैं, बहुत दिन नहीं रुकते हैं। अभी ये यहाँ पे हमारी जो सघन चेकिंग अभियान इस घटना के बाद में शुरू हुआ था, जहाँ पे हमने सारे डेरे चेक करना शुरू किया था, सारे रेलवे स्टेशन बस स्टॉप चेक करने शुरू किए थे, उसी की वजह से ये लोग अभी तक भाग नहीं पाए थे। इनके पास से ट्रेन के टिकट बरामद हुए हैं, तो ये संभवतः भागने की ही फिराक में थे, जो इनको पकड़ लिया गया है। इनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, उनकी रिमांड बनवा के इनको जेल भेजा जाएगा। इसमें 2 असलहे बरामद हुए हैं जिनसे फायर हुआ था, दोनों अभियुक्तों के पास। DCP गंगानगर अभिषेक भारती के मुताबिक बद्दीक मारवाड़ी घुमंतु गिरोह महिलाओं और बच्चों के साथ डेरा बनाकर रहते हैं। पहले महिलाएं और पुरुष मिलकर पहले रेकी करते हैं, जिसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। लूटपाट के दौरान विरोध करने पर क्रूर तरीके से हत्या भी कर देते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद डेरे की जगह बदल देते हैं। उनके मुताबिक थरवई थाना क्षेत्र के हेतापट्टी में लूट और हत्या की घटना के करीब 1 हफ्ते पहले आरोपी प्रयागराज पहुंचे थे। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण और 73,064 रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से 315 बोर का 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी और बरामदगी को लेकर नवाबगंज थाने में IPC की धारा 307 और 325 आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त दयाराम के खिलाफ पीलीभीत, शाहजहांपुर और प्रयागराज जिले में 11 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त धीरेंद्र उर्फ लड्डू के खिलाफ एटा, शाहजहांपुर और प्रयागराज में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। नन्हे उर्फ जयराम के खिलाफ प्रयागराज में 2 मुकदमे दर्ज हैं और कुशल पाल उर्फ कृष्णा के खिलाफ प्रयागराज में 2 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार महिला अभियुक्त बेलावती के खिलाफ रामपुर और प्रयागराज में 4 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्ता शांति देवी, वेद्रवती, लीलावती और गंगा देवी उर्फ झिलमिला के खिलाफ 1 मुकदमा प्रयागराज में दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है।